हास्ता ला वीस्ता, कैसे है मेरे बादाम पिस्ता। मैं हूँ मनु दिवारक और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वाटरमेलन्स तो आप सबने कभी ना कभी जरूर खाए होंगे। इनमें ढेर सारे न्यूट्रिशन, पानी और बीज होते हैं। क्या आपको याद है जब हम बच्चे थे तो कई बार ऐसा सोचते थे कि क्या ये बीज अगर हम गलती से निगल जाएं तो हमारे पेट में पौधे उग जाएंगे। अगर आपके मन में ऐसा कभी ख्याल आया हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और इन जनरल मैं ऐसा बोलता नहीं, लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे इन बीज को दूर तक थूकने के कॉम्पिटिशन को कैसे भूल सकते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड्स तो कई बार ऐसे अतरंगी कॉम्पिटिशन करते रहते थे। वैसे वाटरमेलन्स की एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती थी वो है इतने सारे बीजों को निकाल कर सावधानी से खाना। आखिर कहीं गलती से ये बीज मेरे भी पेट में उग जाते तो बिल्कुल उस रशियन लड़की की तरह। हाँ, आपने सही सुना, ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जब बीज निगलने से किसी के पेट में पेड़ उगने लगे हो। कौन है वो जिनके साथ ऐसा कुछ अनबिलीवेबल हुआ है? क्या वाकई में बीज को निगलने से आपके पेट में पौधे उग सकते हैं? इतने छोटे बीज हमारे इतने कॉम्प्लिकेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे पेट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? क्या बीज निगल जाने से आपके स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव हो सकता है? और क्या होगा अगर वाकई में बीज खाने से आपके पेट में पौधे उगने लगे? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि बालक। आप जरूर इसे सुनकर शॉक हो जाओगे, लेकिन बिना आपको ज्यादा कंफ्यूज किए मैं बता दूं कि ऐसे कम केसेस रिकॉर्ड्स में हैं, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है जब उनके पेट में नहीं बल्कि लंग्स में बीज चले जाने से पौधे उगने लगे थे। सबसे पहला केस अप्रैल 2009 में सामने आया जब 28 साल के आर्टियम सिदोरकिन के चेस्ट में दर्द होना शुरू हुआ। एक्सरे में तो सभी को लगा कि ये ट्यूमर है, लेकिन सर्जरी के बाद पता चला कि उनके लंग में 5 सेंटीमीटर की जितना देवदार का पौधा उग गया था। A fir tree growing inside a human lung. The tree measuring nearly 2 inches was discovered when surgeons opened up a 28-year-old man to remove what they thought was a tumor. बिल्कुल ऐसा ही केस मैसाचुसेट्स में देखने को मिला जब 75-year-old रॉन स्वेडन ने गलती से मटर के दाने को निगल लिया और वो गलत रास्ते से होते हुए लंग में पहुंच गया। फिर उनका एक लंग कोलैप्स कर गया, बट कुछ दिनों के बाद somehow he recovered. I had a pea seed in my lung that had split and had sprouted. वैसे स्टमक में किसी तरह के पौधे को उगने के लिए बीज को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि वो मेटल तक को पिघला दे। इसी जगह हमारे खाने का ब्रेकडाउन भी होता है, यहाँ तक कि हमारा खुद का पेट भी इससे अफेक्ट हो सकता है। इसलिए हर 2 वीक में म्यूकस का न्यू लेयर स्टमक प्रोड्यूस करता रहता है। सो ऐसे हार्श कंडीशन में किसी पौधे को ग्रो करना हो तो उसे क्विकली इसमें अडेप्ट करना होगा और फास्ट ग्रो करना होगा, विच इज जस्ट इम्पॉसिबल, वरना बीज के ग्रो होने से पहले ही उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो तैयार हो जाइए इस बदलाव को एकदम करीब से महसूस करने के लिए। ऐसी दुनिया में जहाँ बीज पेट में आसानी से ग्रो कर पाएंगे, आप अगले दिन से बीज वाले फलों को खाने से ही मना कर देंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसी दुनिया में बीज रहित फलों की कीमतें आसमान छुएंगी क्योंकि हर एक छोटे छोटे बीज को निकालने में काफी वक्त बर्बाद होगा। लोग फलों को बहुत ही बारीकी से देख देख कर खाएंगे। अमरूद, तरबूज, संतरा, अंजीर, ऑल्सो नोन एज फिग्स, और टमाटर तो ब्लैक लिस्टेड फलों और सब्जियों में से होंगे क्योंकि आखिर कौन ही चलता फिरता पेड़ बनना चाहेगा। आखिर इतने छोटे बीज हमारे पेट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो ऐसा होने के लिए बीज को बहुत जल्दी जर्मिनेट होना पड़ेगा, प्रेजेंट दुनिया से कई गुना ज्यादा तेजी से। एक बीज को जर्मिनेट होने में 1 से 2 हफ्तों का वक्त लगता है, जबकि हमारा पेट कुछ घंटों में ही खाने को डाइजेस्ट कर लेता है। एक बीज को जर्मिनेट होने के लिए वाटर, सही टेम्परेचर और ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। हमारे पेट में लगभग सभी चीजें मौजूद हैं, लेकिन एक और चीज जो यहाँ मौजूद है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीड के प्रोटेक्टिव कोटिंग को हटा देगा, जिसके बाद बीज पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। डुओडेनम, जो कि हमारे छोटे इंटेस्टाइन का इंट्रीगेट होता है, यह वही जगह है जहाँ हमारी बॉडी विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिशन को सोखना शुरू करती है। डुओडेनम के अंदर काफी डार्कनेस और मॉइस्चर होता है। अगर आप हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो आपने जरूर कभी ना कभी तो अंकुरित होने के लिए चने या दाल को पानी में छोड़ा होगा। कुछ वैसी ही कंडीशन इस जगह पर होती है और वो बीज अंकुरित होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सर्वाइव करने के बाद इस बीज को इंटेस्टाइनल जूसेस से भी बचना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम कि हमारा पप्पू यानी वो छोटा सा बीज इसमें भी पास हो गया और इसने आपके डाइजेस्ट होने वाले न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया, और अगर इस बीज को इनफ न्यूट्रिशन मिल गया तो ये फिर फ्लावर प्रोड्यूस करना और फल को प्रोड्यूस करना भी शुरू कर देंगे। वैसे ये जो फल आपके पेट में प्रोड्यूस होगा, आप इसको बेचकर मालामाल भी हो सकते हो। कुछ भी, कुछ भी?
कुछ भी। खैर अब असली परेशानी शुरू होगी। उम्मीद है आप ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच चुके होंगे, क्योंकि आपके पेट में पत्तों, फूल और फलों के ग्रो होने के साथ ये और दर्दनाक होता जाएगा। ये पौधे रोशनी की तरफ बढ़ने लगेंगे, और अगर आप सोच रहे हैं कि अपने पेट में पलने वाले फल को बेचकर मालामाल हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको फलों के बीज को बहुत सोच समझ कर निगलना होगा। सेब और चेरी पीट्स जैसे फलों के बीज एक अच्छी मात्रा में निगलने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि सेब के अलावा और 2000 स्पीसीज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिससे स्लो ग्रोथ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइनाइड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो ऐसी दुनिया में जहां बीज इतनी तेजी से बढ़े, वहां बेटर होगा स्टे सेफ एंड डोंट ईट एनी सीड्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और इन केस अगर आपको फलों को खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, तो पे अ लिटिल बिट मोर फॉर सीडलेस फ्रूट्स। वैसे जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इट इज टोटली इम्पॉसिबल कि कोई बीज हमारे पेट जैसे हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सके, लेकिन हाँ, लंग्स में और नाक में पेड़ उग सकते हैं। लेकिन ऐसा भी काफी रेयरली हुआ है। वैसे एक और चीज जो काफी रेयरली होते हैं, वो है फफूंदी लगे हुए ब्रेड को खाना। यू तो कभी सोचा है क्या होगा अगर आप फफूंदी खा जाएं? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।